दोस्तों, जैसे जैसे भारत का विकास हो रहा है, वैसे वैसे हर इंसान आधुनिक चीजों को अपनाकर अपना जीवन आसान बना रहा है। इसीलिए पहले के समय में जहां मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, वहीं आज के समय में हर किसी के घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है। एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो ये तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। कुछ दशक पहले तक इसके इस्तेमाल को लेकर डर और शंका रहा करती थी, लेकिन अब सरकार की योजनाओं के चलते गरीब परिवारों में भी एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होने लगा है। वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एलपीजी सिलेंडर को कैसे बनाया जाता होगा, या फिर ये काम कैसे करता होगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इतना ही नहीं, हम आपको वीडियो के आखिर में सिलेंडर पर छपे हुए इन नंबर्स के पीछे छुपे राज के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एलपीजी सिलेंडर को बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टील की शीट को राउंड शेप में ऑटोमेटेड मशीन से काट लिया जाता है। इस बनाए हुए गोल शीट को एक हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन के अंदर डालकर इसे एक हाफ कैप्सूल का शेप दिया जाता है। ये हाफ बने हुए स्टील कैप्सूल के निचले हिस्से को भी सेम प्रोसेस से ही बनाया जाता है। अब इस गैस सिलेंडर के दोनों भागों को एयर वेल्डिंग के जरिए कुछ इस तरह जोड़ दिया जाता है। कुछ देर बाद सिलेंडर के ऊपरी हिस्से को मशीन की मदद से डिजाइन दिया जाता है और कुछ देर बाद ही इस सिलेंडर को इस तरह की बड़ी मशीन में भेजा जाता है। इस मशीन से सिलेंडर के सारे पार्ट्स एक दूसरे से टाइटली जुड़ जाते हैं। आखिरकार इन सिलेंडर्स को ऑटोमेटेड मशीन की मदद से पेंट किया जाता है। वैसे क्या आपने सोचा है कि गैस सिलेंडर का रंग हमेशा लाल ही क्यों होता है? ये बात तो हम भी जानते हैं कि लाल रंग खतरे का प्रतीक है, और यही कारण है कि इस रंग का इस्तेमाल खतरनाक चीजों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब क्योंकि एलपीजी सिलेंडर एक ज्वलनशील चीज है, तो इसमें एक खतरनाक पदार्थ होता है, इसलिए गैस सिलेंडर का रंग लाल होता है। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है कि सिलेंडर का रंग लाल होता है। वैज्ञानिकों की नजर से देखा जाए तो लाल रंग के दिखाई देने वाले स्पेक्ट्रम यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम में बहुत ज्यादा मात्रा में वेवलेंथ होती है, जो इसे एयर मॉलिक्यूल्स की मदद से कम बिखेरता है। यह भी एक बड़ी वजह है कि सभी खतरनाक वस्तुओं को दर्शाने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर इस सिलेंडर के अंदर भरे जाने वाले गैस की बात करें तो इसे दो तरीके से निकाला जाता है। पहला तरीका तो ये है कि हमें ये एलपीजी गैस नेचुरल गैस सोर्स से मिलता है, यानी ये हमें जमीन के नीचे से प्राप्त होता है। इसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट इस बात का पता लगाते हैं कि जमीन के किस हिस्से में और कितनी गहराई में मौजूद है। ये पता लगाने के बाद मशीन्स की मदद से जमीन के उस हिस्से को ड्रिल किया जाता है और फिर बड़े पाइप की मदद से इस गैस को निकाला जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब गैस को जमीन से निकाला जाता है तो वो फिल्टर्ड फॉर्म में नहीं होती है, इसीलिए इसे फैक्ट्रीज में फिल्टर किया जाता है और फिर इस प्रोपेन और ब्यूटेन के मिक्सचर को एलपीजी गैस कहा जाता है और इसी को सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। अब अगर दूसरे तरीके से सिलेंडर के गैस को निकालने की बात करें तो आप सब जानती हैं कि क्रूड ऑयल की मदद से पेट्रोल और डीजल को प्राप्त किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी क्रूड ऑयल से एलपीजी गैस को भी प्राप्त किया जाता है? इस क्रूड ऑयल को भी बड़ी मशीन की मदद से जमीन के नीचे से निकाला जाता है, फिर इस क्रूड ऑयल को भी फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है और इसे रिफाइन किया जाता है, जिससे हमें एलपीजी गैस मिलती है। वैसे क्या आपने कभी अपने घर में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर पर लिखे नंबर पर गौर किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसके पीछे क्या मतलब छुपा है? जिस तरह से खाने पीने या बाकी सामानों की एक्सपायरी डेट होती है, उसी तरह इन एलपीजी सिलेंडर्स की भी एक्सपायरी डेट होती है। दरअसल सिलेंडर के ऊपरी हिस्से पर छपे हुए ये नंबर एक तरह के कोड होते हैं, जिसे सुरक्षा की दृष्टि से सिलेंडर पर प्रिंट किया जाता है। अलग अलग सिलेंडर पर लगे ये अलग अलग कोड बताते हैं कि ये सिलेंडर कितने समय बाद इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेंगे। आपने अगर कभी इन कोड्स पर गौर किया होगा तो देखा होगा कि इसकी शुरुआत अंग्रेजी के लेटर ABCD से होती है। अंग्रेजी में छपे इन लेटर्स का जुड़ाव साल के 12 महीनों से होता है, यानी एक लीटर 3 महीने को इंडिकेट करता है।
ए अक्षर का इस्तेमाल साल के पहले तीन महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के लिए होता है। बी अक्षर अप्रैल, मई और जून को दर्शाता है। वहीं सी अक्षर की बात करें तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर को दर्शाता है, जबकि डी का इस्तेमाल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए किया जाता है। अल्फाबेट्स के बाद नंबर छपे होते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि सिलेंडर किस साल में बना है। इस तरह से ये कोड बताता है कि हमारे घर में जो सिलेंडर है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। यानी अगर किसी सिलेंडर पर 1.23 लिखा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि साल 2023 की पहली तीन महीने में सिलेंडर एक्सपायर होने वाला है। अब किसी सिलेंडर पर 2.25 लिखा हो तो इसका मतलब हुआ कि आपका सिलेंडर अप्रैल, मई या जून 2025 में एक्सपायरी होने वाला है। लेकिन ये बात जाननी जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेंडर पूरी तरह से इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। लेकिन हाँ, इस साल और महीने के बाद इसकी टेस्टिंग जरूरी होती है। यानी ये कोड सिलेंडर की रिक्वायर्ड टेस्टिंग डेट भी होती है, तो इस जानकारी के समय पर टेस्टिंग करवाई जा सकती है, जिससे विस्फोट होने या सिलेंडर के आग लगने की दुर्घटना काफी कम हो जाती है। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारी चैनल द मिस्टिकल लैंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।